वहीं अमेरिका ने रूस पर लगा दिए हैं कई नए और बड़े प्रतिबंध। अमेरिकी बंदरगाहों पर रूसी जहाजों की एंट्री बैन कर दी गई है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। रूस से संबंध रखने वाले सभी जहाज अमेरिका में बैन कर दिए गए हैं। ये अमेरिका का एक और बड़ा फैसला, एक और बड़ा सैंक्शन रूस के खिलाफ सामने आया है। चतुर्वेदी जी, कितना असर पड़ेगा इसका? और ये सैंक्शंस लगाकर, एक के बाद एक प्रतिबंध लगाकर दबाव तो बना ही रहा है अमेरिका। समीर, बिल्कुल सही कहा आपने, दबाव बना रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि आजकल इन सैंक्शंस का इतना असर हो रहा है। हाँ, कोई ना कोई तरीका वो अपना लेते हैं जिससे कि इन सैंक्शन को वो एक नाकाम कर देते हैं। बिल्कुल, सैंक्शंस आप लगा दें किसी ना किसी, और आपका भी नुकसान होगा क्योंकि कुछ ऐसे शिप्स होंगे जो कि आपके लिए कुछ सामान लेकर आ रहे हों, इकोनॉमिक ली आपके लिए काफी फायदेमंद हो, लेकिन उन पर भी प्रतिबंध है। इस सैंक्शन से जो आपने देखा है पूरा, हाँ, रूस और यूक्रेन के युद्ध में कोई खास असर नहीं पड़ा, रूस के ऊपर नहीं पड़ा है रूस के ऊपर। और आप कह रहे हैं कि इसका असर दोनों पर पड़ेगा, अमेरिका भले ही प्रतिबंध लगा रहा है लेकिन नुकसान उसे भी उठाना पड़ेगा। रूस पर नया प्रतिबंध, बाइडेन वर्सेस पुतिन। देखिए ये प्रतिबंधों की दास्तान जो क्या है वो क्या कह रही है। बाइडेन ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। अब अमेरिका में सभी तरह के रूसी शिप पर लगा दी गई है पाबंदी। अमेरिकी बंदरगाहों पर रूसी जहाजों के आने जाने पर पूरी तरह से रोक होगी। रूसी कंपनियां, नागरिक या किसी तरह से रूस से संबंध रखने वाले जहाज भी बैन कर दिए गए। यूक्रेन पर हमला करने की वजह से अमेरिका ने ये नए प्रतिबंध, नए बैन लगाए हैं। पिछले साल भी अमेरिका ने रूस पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन इस तरह के प्रतिबंधों के जरिए अमेरिका जो दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है वो रूस के ऊपर कोई असर डालता नजर नहीं आ रहा।